वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। मुद्दे क्या क्या इस बार हो सकते हैं? प्रकाश जावड़ेकर इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जेएनयू पे बोल सकते हो गए हैं, और इसलिए जनता की आवाज अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इतना ही मैं कहूंगा, हमें पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के जीत का। सर, 14 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होगा, तो कब प्रत्याशियों के नाम का कब ऐलान पार्टी करेगी? समय पे प्रत्याशियों के नाम तय होंगे और अंतिम दिन के पहले सभी प्रत्याशी अपने आवेदन दाखिल करेंगे। और सीएम के चेहरे को लेकर के कोई? वो जो कल बताया है, मोदी जी का नेतृत्व देश भर में एक सुशासन के लिए और सबके लिए जाना जा रहा है, और इसलिए भरपूर ताकत से हम चुनाव लड़ेंगे। इतना ही कहूँगा केजरीवाल। आप जी, आप सभी को नमस्कार, और बड़ी खुशी की बात है कि रिजल्ट मंगलवार को आएगा, और मंगल से अपना बहुत अच्छा नाता है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मंगलवार है, और भारतीय जनता पार्टी मंगल करने के लिए ही जानी जाती है, इसलिए प्रकृति भी बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव संकेत है। और चुनाव आयोग के इस घोषणा के बाद, जैसा आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा, हमारे प्रभारी जी ने, यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली की जनता, जो व्यापारी भाई हमारे 2.5 गुना हो गए बिजली के बिल से कराह रहे थे, उनको भी अपना मत देना है। हमारे जो पानी, गंदे पानी से त्रस्त लोगों को झूठा बता रहे थे यहाँ के मुख्यमंत्री जी, उसका भी जवाब का समय निश्चित हो गया है। यहाँ पे झूठ बोलने वालों का हम लोगों ने बिल भी दिखाया है, पानी का बिल, बिजली का बिल, सब कुछ मीडिया के समक्ष रखा है। और दिल्ली के जो सांस फूल रहे हैं, ये सब का एक दिन निश्चित हो गया है, 8 तारीख। और 8 तारीख निश्चित रूप से अब उनका होने वाला है, उनकी शुरुआत होने वाली है दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से। जो लोग सिर्फ और सिर्फ काम करने में विश्वास करते हैं, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी ने IGA स्टेडियम में जो कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम का जोश, ऊर्जा इतना ज़्यादा था कि उसको देखते हुए आज चुनाव आयोग की जो घोषणा हुई है, एकदम से इस ऊर्जा को हम लेकर के चलेंगे, और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को सारी समस्याओं के समाधान देने के लिए कृत संकल्प है। हम आगे बढ़ चुके हैं और हम चुनाव आयोग के स्थितियों का बहुत स्वागत करते हैं। सर, दिल्ली का चुनाव क्या माना जाए? ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद की एक लड़ाई है, विकासवाद बनाम रोड़े अटकाने की लड़ाई है, इस तरह से बातें सामने आ रही है, किस तरह से देखेंगे? लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।